बीजेपी का चेहरा है, ये बात बीजेपी के हर बड़े नेता ने कही है। लेकिन घोसी के पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं, उनके अलग सुर सुनाई दिए हैं। उनका संकल्प तो कभी पीएम मोदी के करीबी रहे, पूर्व आईएएस अफसर एके शर्मा को सीएम बनाने का, यानी बीजेपी के पूर्व सांसद प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले एके शर्मा, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, जो हाल ही में यूपी की राजनीति में जिनका पदार्पण हुआ है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हुए घोसी के पूर्व सांसद सुनाई दे रहे हैं। देखिए पूरा माजरा क्या है। भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे। मैं आजीवन शर्मा जी का और मऊ की जनता का ऋणी हूं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। तारीख थी 4 जनवरी 2022 की, वीडियो है मऊ में बीजेपी के कार्यक्रम का। भाषण दे रहे शख्स हैं घोसी से बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर। उनके बगल में खड़े हैं यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और एमएलसी एके शर्मा। इस मंच से तीन तीन बार एके शर्मा को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेने का ऐलान हुआ। शर्मा जी हाथ जोड़कर इस संकल्प को स्वीकारते रहे, पर यूपी बीजेपी का चेहरा तो योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये शर्मा जी कहां से आए? पहले आपको बता देते हैं एके शर्मा का परिचय। एके शर्मा 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं एके शर्मा। पीएम मोदी के साथ 20 साल तक काम किया है, 5 साल तक पीएमओ में भी काम किया है। एके शर्मा ने प्रशासनिक सेवा से यूपी की राजनीति का रुख किया था, तब बीजेपी में उथल पुथल मच गई थी। माना जा रहा था कि एके शर्मा को सरकार में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया और एमएलसी भी। अब एन चुनाव से पहले पूर्व सांसद का यह शगुफा हवा में उछालना क्या संकेत देता है? एके शर्मा से जब एबीपी न्यूज ने सवाल किया तो वो माइक हटाकर चलते बने। हरि नारायण राजभर ने कहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा, ये बात उठने लगी है कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या सोचते हैं? धन्यवाद, आपको धन्यवाद। हो सकता है कि हरि नारायण राजभर जोश में ये कह गए हो, लेकिन उनकी बात पर शर्मा जी की मौन स्वीकृति क्या कहती है? एबीपी न्यूज के सवाल पर उनकी चुप्पी क्या इशारा करती है? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।